हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, आपका पीला या गुलाबी राशन कार्ड बना हुआ है, लेकिन जब आप राशन रिकॉर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना राशन रिकॉर्ड चेक करते हैं तो वहां पर आपको सरसों तेल दिखाई नहीं दे रहा। और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी थी कि जिस भी परिवार की इनकम फैमिली आईडी के अंदर 1 लाख तक या उससे कम वेरीफाई है उसी को सरसों तेल मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपकी जो इनकम है वो 1 लाख तक या उससे कम ही वेरीफाई है, लेकिन आपका सरसों तेल राशन रिकॉर्ड की वेबसाइट पर नहीं दिख रहा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपके सामने जो समस्या आ रही है उससे संबंधित देते हैं आपको संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आपको राशन कार्ड में राशन के साथ सरसों तेल किसे मिलेगा वो तो आपको पता ही है, वो आपको पता चल गया है, 1 लाख तक वालों को मिलेगा, यानी परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी के अंदर 1 लाख तक या उससे कम अगर इनकम वेरीफाई है उसे ही सरसों का तेल मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों अब समस्या ये आ रही है कि वो जो सरसों का तेल है वो 1 लाख वाले राशन कार्ड पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, या जिसकी 50,000 इनकम वेरीफाई है उसका भी सरसों तेल दिखाई नहीं दे रहा है। और ज्यादातर दोस्तों ये समस्या अब उन राशन कार्डों पर आ रही है जिसका इस महीने से राशन शुरू होने वाला है, यानी जिसका जून महीने में राशन कार्ड बना था और इस महीने यानी अगस्त महीने में उनका जो राशन वितरण है वो शुरू होने वाला है। पहली बार उनका राशन आया है, उनका केवल दोस्तों गेहूं और चीनी का रिकॉर्ड ही दिख रहा है, अभी तक ऑयल यानी सरसों के तेल का रिकॉर्ड नहीं दिख रहा। और दोस्तों कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनका पहले से ही राशन वितरण हो रहा है, यानी पहले से उन्हें राशन मिल रहा है, लेकिन दोस्तों उनका जो सरसों तेल है इनकम कम होने के बावजूद भी दिखाई नहीं दे रहा है, उनके रिकॉर्ड में ऐड नहीं किया गया। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने मानता हूं ये समस्या आ रही है और नए राशन कार्डों पर तो लगभग सभी पर ही आ रही है, यानी किसी का भी सरसों तेल दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है आपका दिखाई दे रहा हो, लेकिन दोस्तों मैंने ज्यादातर राशन कार्ड के रिकॉर्ड को चेक किया लेकिन वो जो सरसों तेल है वो दिखाई नहीं दिया, जिसकी भी इनकम कम है कम होने के बावजूद भी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एक तकनीकी समस्या है। दोस्तों ऐसी बहुत सी समस्याएं नए राशन कार्ड के राशन रिकॉर्ड में देखने को मिलती हैं जब नया राशन कार्ड राशन रिकॉर्ड की वेबसाइट पर आता है। और दोस्तों आपको पता है गुलाबी राशन कार्ड हरियाणा में बन रहे हैं, वो किसके बन रहे हैं, वह उस परिवार के बन रहे हैं जिस परिवार की फैमिली आईडी के अंदर इनकम 50,000 तक वेरीफाई है। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा ऐसे भी परिवार हैं जिनकी इनकम 50,000 से ज्यादा है उनके गुलाबी राशन कार्ड बने हुए हैं, और जिस परिवार की इनकम 50,000 से कम है उसके गुलाबी राशन कार्ड बने हुए नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों जिसकी इनकम 50,000 से ज्यादा है उसका गुलाबी राशन कार्ड हमेशा के लिए बना रहेगा, और जिसकी इनकम 50,000 से कम है उसका गुलाबी राशन कार्ड से पीला राशन कार्ड कभी भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों 2-3 महीने के अंदर डिपार्टमेंट उस राशन कार्ड को पीले से गुलाबी में बदल देता है जिसकी इनकम पहले ज्यादा थी अब 50,000 या उससे कम हो गई है, या जिस परिवार की इनकम 50 से ज्यादा हो गई है और उसका गुलाबी राशन कार्ड बना हुआ है उसका 2-3 महीने के अंदर जो राशन कार्ड है वो गुलाबी से पीला हो जाता है। और दोस्तों यहां पर भी ऐसी ही समस्या आ रही है, दोस्तों गुलाबी राशन कार्ड में भी यही समस्या है क्योंकि गुलाबी राशन कार्ड सभी का नहीं बनता और न ही पीला राशन कार्ड सभी का बनता है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ज्यादा इनकम पर भी कई बार गुलाबी राशन कार्ड बन जाता है और कम इनकम पर भी कई बार पीला राशन कार्ड बन जाता है, लेकिन डिपार्टमेंट उसे ठीक कर देता है कुछ महीनों में। दोस्तों इनकम निर्धारण के कारण ही अब यह समस्या सरसों के तेल में भी आ रही है। कैसे दोस्तों, अगर सरसों तेल सभी बीपीएल परिवारों को मिलता तो दिक्कत नहीं आती, आपको पता है गेहूं भी मिलते हैं चीनी भी मिलती है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, सरसों तेल में क्यों आ रही है। तो दोस्तों सरसों तेल उसी परिवार को मिलेगा जिसकी इनकम 1 लाख तक वेरीफाई है, और दोस्तों इसमें आपको लगातार दिक्कत देखने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों इनकम जो है वो कभी किसी परिवार की ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। दोस्तों जिस समय आपकी इनकम 1 लाख से ऊपर चली जाएगी उस समय आपका सरसों तेल बंद हो जाएगा
और जिस समय आपकी इनकम 1 लाख से कम हो जाएगी, फिर से आपका सरसों तेल मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों इसी कारण आपका जो सरसों तेल है वो वेबसाइट पर फिलहाल नहीं दिख रहा है। हो सकता है आपकी इनकम फिलहाल ज़्यादा हो गई हो, या फिर कोई तकनीकी समस्या के कारण आपका जो सरसों तेल है वो वेबसाइट पर न ऐड हुआ हो, डिपार्टमेंट को लगा हो आपकी इनकम ज़्यादा है लेकिन आपकी इनकम ज़्यादा नहीं थी, या आपकी इनकम कम है और आपका ज़्यादा इनकम पर भी सरसों का तेल दिखाई दे रहा है। दोस्तों यह गलती से हुआ है लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाल लेगा और जिस परिवार को सरसों तेल मिलना चाहिए उस परिवार को सरसों तेल जरूर मिलेगा। हो सकता है दोस्तों 1 से 2 महीने का समय लग जाए लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसकी इनकम 1 लाख तक वेरीफाई है उसे सरसों का तेल मिलना जरूर से जरूर शुरू होगा, और जिसकी इनकम ज्यादा है अगर उसे सरसों का तेल मिल रहा है तो उसका सरसों तेल बंद हो जाएगा। दोस्तों इनकम 1 लाख ही निर्धारित की गई है जैसे गुलाबी राशन कार्ड में है, उसमें भी दोस्तों धीरे धीरे करके ही जो राशन कार्ड है उनकी कैटेगरी चेंज होती है और इस समस्या में भी समाधान धीरे धीरे करके ही होगा दोस्तों, एकदम नहीं होगा। और इससे संबंधित अगर कोई अपडेट आती है या आप कहीं अगर रिक्वेस्ट लगा पाएंगे तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि आप यहां पर रिक्वेस्ट लगा दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट आती है तभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।